की इतिहास बताए जाते हैं, हिंदू राजाओं के इतिहास नहीं बताए। हाँ, ये कनाडा वाला बताएगा ना हिंदू राजाओं के इतिहास, है ना। ये कनाडा वाले से पूछिए ना जाकर कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं भी या नहीं, कनाडा की नागरिकता लिए बैठे हैं। और दूसरी बात, ये बोलते हैं डाने डाने में केसर का दाम, ठीक है। अपने आज तक इन्होंने अपने घर वालों को खिलाया केसर। एक बात आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा 5 रुपए में केसर मिल जाएगा आपको, इतना सस्ता हो गया केसर, है ना। मुदस्सिर अहमद शेख कोई, आप ये समझिए, कोई देशद्रोही नहीं है, वो कश्मीर की पुलिस का बंदा है, ठीक है ना। जो वहाँ जो एक्टर जो देश के लिए जिन्हों को गोली मार दी गई आतंकवादियों के द्वारा, वो कोई पाकिस्तान की नहीं थी, वो भी हिंदुस्तान की थी। राहुल भट्ट कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तान के नहीं थे, वो भी हिंदुस्तान के थे। लगातार कश्मीरी पंडितों ने इतना तक सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि हम पलायन कर देंगे। लेकिन मोदी जी, रद्दी भर फर्क नहीं, इनको तो ढूंढ कर लाइए। ये मिथुन चक्रवर्ती तो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा समर्थक कार है, और जितने भी लोग फिल्म देख के आ रहे थे सबके सब, कश्मीरी फाइल्स देख के मेरे को बड़ा दुख हुआ, इतनी बुरी स्थिति। अनुपम खेर डिबेट शो के दौरान रोए भी थे। मैं रो नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन लोगों का बता रहा हूँ मैं। ये एक्टर जो हैं, ये अरे मोदी जी मैं आपको बता रहा हूँ, मोदी जी तो इतने बड़े एक्टर हैं कि एक आदमी को रोने के लिए आंख में ग्लिसरीन की जरूरत होती है। अगर एक्टर की आंख से जो आंसू आता है ना, वो ग्लिसरीन डालने के बाद आता है। मोदी जी तो इतने बड़े एक्टर हैं कि कहीं भी खड़े खड़े रो जाते हैं, और उनको देखते देखते अब तो योगी जी भी सीख गए हैं, वो सदन में रो देते हैं योगी जी भी खड़े खड़े। मोदी जी कहते हैं मेरी जान को खतरा है, जिस देश के प्रधानमंत्री की जान सुरक्षित नहीं है, वो जनता को कहाँ से सुरक्षित रखेंगे। तरफ कश्मीर और एक तरफ कानपुर में कहीं ना कहीं भयानक तस्वीरें सामने आ गई है। मोहित शर्मा का क्या स्टैंड है? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के राज में 2014 से जो देश के अंदर का माहौल उत्पन्न हुआ है, देश के अंदर आपसी भाईचारा, आपसी प्रेम जो पूर्ण तरीके से तबाह हो चुका है, तहस नहस हो चुका है, वो भारतीय जनता पार्टी ने खराब किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जहां भी जाते हैं, चाहे वो देश हो चाहे वो विदेश हो, उनको हर जगह से विरोध का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता ऑस्ट्रेलिया के अंदर तक जाते हैं, वहाँ भी उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होता है। आपने देखा कि कार्यक्रम उनको रद्द करना पड़ता है। आज पूरे देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक की स्थिति इतनी खराब है कि देश के अंदर का माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका है। आज कश्मीर के अंदर लगातार लोग मारे जा रहे हैं। कश्मीर के अंदर के चाहे वो पुलिस कांस्टेबल हों, कश्मीर के अंदर के रहने वाले आम नागरिक हों, कश्मीर के अंदर के राहुल भट्ट हों, कश्मीर के अंदर के मुदस्सिर अहमद शेख हो, कश्मीर के विजय कुमार हो, या फिर आज के दिन, मैं आपको आज के दिन की घटना बता रहा हूं, आज के दिन की कश्मीर के अंदर जो वहां के जो माइग्रेंट जो लेबर थे, उनको भी आतंकवादियों ने शूट किया है। मैं आपको बता दूं, ये सबसे बड़ा सरकार का नाकामयाबी का फेलियर रहा है। बुड़गाम के अंदर आज वहां के जो माइग्रेंट जो वहां के लेबर थे, मजदूर थे, उनको गोली मारी गई आतंकवादियों के द्वारा। तो अभी तो दो दिन में दो बार बैठक कर चुके हैं अजीत डोवाल से प्रधान गृह मंत्री अमित शाह, तो अभी तक भी आपको लग नहीं रहा है कि जो भाजपा का स्टैंड है वो कहीं ना कहीं साफ हो पाएगा कश्मीर में, वो लोगों की मदद कर पाएंगे? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर भारतीय जनता पार्टी की ये इच्छा होती ना, और भारतीय जनता पार्टी ये चाहती कि कश्मीरी पंडितों की या कश्मीर के लोगों की वाकई में ही मदद की जाए, तो विजय कुमार कोई मुसलमान नहीं है, ठीक है ना। मुदस्सिर अहमद शेख कोई, आप ये समझिए, कोई देशद्रोही नहीं है, वो कश्मीर की पुलिस का बंदा है, ठीक है ना। जो वहाँ जो एक्टर जो देश के लिए जिन्हों को गोली मार दी गई आतंकवादियों के द्वारा, वो कोई पाकिस्तान की नहीं थी, वो भी हिंदुस्तान की थी। राहुल भट्ट कोई मुसलमान, कोई पाकिस्तान के नहीं थे, वो भी हिंदुस्तान के थे। लगातार कश्मीरी पंडितों ने इतना तक सरकार को अल्टीमेटम दे दिया कि हम पलायन कर देंगे। लेकिन मोदी जी, रद्दी भर फर्क नहीं। और जनाब, मैं आज इस देश की सोशल मीडिया का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, लेकिन आप लोगों के लिए भी एक बात आप लोगों के लिए यही कहना चाहूंगा कि आप लोग लगातार जिस तरीके से देश की आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन आप लोगों को भी टारगेट किया जाता है। लगातार कई YouTube के चैनलों को बंद किया जा रहा है, ठीक है। तो हम उनके लिए भी कहना चाहेंगे, आप लोग आवाज़ उठाने का काम करिए, पूरा देश आपके साथ है। लेकिन जिस तरीके से कश्मीर के अंदर लगातार कश्मीर के लोगों को मारा जा रहा है, मेरी कश्मीर के लोगों से बात हुई, पता है आपको कश्मीर के लोग कितना डर और दहशत के अंदर हैं? कश्मीर के लोगों का साफ तौर पे कहना है, मेरी कश्मीर के लोगों से बात हुई, लेकिन मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग्स नहीं सुना सकता हूँ।
उसके पीछे का कारण ये है कि वो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आप हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर न्यूज चैनल्स में सुना देंगे तो हमारा जो है यहाँ पर हमारे को गोली मार दी जाएगी। वहाँ टेररिस्ट आतंकवादी वो लोग जो पाकिस्तान से आ रहे हैं। सरकार आप ये समझिए, जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद आज तक POK यानी पाक अधिकृत कश्मीर को पूर्ण रूप से ये समझिए कि सेफ नहीं कर पाई है। लेकिन कहा तो ये जा रहा था कि 370 हटने के बाद वहाँ हालात ठीक हो गए हैं। कहने को तो मैं ये कह दूं कि आप 10 करोड़ रुपए चोरी करके भागे हैं, विजय माल्या आप ही हैं, तो आप दे देंगे क्या बैंक का सारा पैसा? बताइए अब क्यों चुप हो गए आप? किसी को विजय माल्या कर देंगे हैं? आप किसी को मेरी बात सुनिए। अरे मेरी बात सुनिए, मेरे को पता है कुछ यहाँ BJP समर्थककार भी हैं, मेरी बात सुन लीजिए। आप लोग इसलिए नहीं भड़कते हैं, आज अगर आपके घर का कोई सदस्य ना ऊपर वाला ना करे, किसी के भी घर का सदस्य, मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आज अगर उनकी जगह पर आप लोग उस मुसीबत का सामना कर रहे होते ना, तो जो आप कह रहे ना भड़क क्यों रहे हैं, भड़क क्यों रहे हैं, भड़क क्यों रहे हैं, फिर आप खुद भड़कते। कश्मीर में हालात है, किसे जिम्मेदार मान रहे हैं आप? देखिए कश्मीर के हालात के जिम्मेदार निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री हैं। आप ये समझिए जो राहुल भट्ट की जो पत्नी है उन्होंने इतना तक सरकार को कह दिया था, प्रधानमंत्री मोदी को, गृह मंत्री को खुली चुनौती दी थी। जब उनकी वाइफ प्रधानमंत्री गृह मंत्री को चुनौती दे सकती है और ये कह सकती हैं कि आप बिना सुरक्षा के कश्मीर में नहीं आ सकते, तो आप सोचिए कश्मीर की स्थिति कितनी खराब होगी। जब सरकार ने वहाँ धारा 370 हटाई तो सरकार वहाँ पर सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर पाई? आज तक BJP के जितने नेता चिल्ला रहे थे, जितना आप ये समझिए सड़क पे भौंकने वाले कुत्ते भाऊ भाऊ नहीं करते, उससे ज़्यादा BJP वाले चिल्ला रहे थे मैं भी कश्मीर में प्लॉट लूँगा। अरे आप भी कश्मीर में प्लॉट ले सकते हैं, जी हाँ आप भी कश्मीर में प्लॉट ले सकते हैं। कितने नेताओं ने प्लॉट लिया बताइए ना? ये जितने भी नेता दिल्ली में बैठते हैं अपना बंगला लेकर, सबके प्लॉट करवा दे वहां पर कश्मीर में, पता चल जाएगी आपको। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है पत्रकार महोदय कि कश्मीर के अंदर मरने वाली किसी नेता की औलाद नहीं है। कश्मीर के अंदर सीने पे गोली खाने वाले पुलिस कांस्टेबल, आर्मी के जवान, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में किसी नेता के बच्चे नहीं है, इसलिए वहां पर लगातार शहादत पे शहादत होती जा रही है। मोहित, खबरें ऐसी आ रही थी कि वहां पर जो आर्मी है उन्हें कहीं ना कहीं पता था कि टारगेट किलिंग आतंकवादियों की तरफ से की जाएगी, तो अभी तक उस पर भाजपा ने या वहां के लोग जो जिनको ये जानकारी मिली थी उन्होंने इसके लिए कुछ क्यों नहीं किया? मैडम एक बात आप मुझे बताइए, जिस देश के अंदर ना नेताओं के लिए लाखों करोड़ों और खरबों रुपया खर्च होता हो ना उनकी विदेश यात्रा के लिए, जिस देश के अंदर जिस देश का प्रधानमंत्री, देश का जनसेवक के पास पहनने को कपड़ा नहीं है लेकिन प्रधानमंत्री 10 करोड़ का सूट पहने और राफेल और बड़े बड़े विमान, बड़े बड़े हाई फाई हेलीकॉप्टर, चार्टर्ड प्लेन्स में घूमे, और उस देश के जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनको बस के अंदर भेजा जाए, गाड़ी के अंदर भेजा जाए और उसमें भी उनको सुरक्षा प्रदान नहीं करी जाए। उस दिन मेरे को सरकार के ऊपर सवाल खड़े करने की मंशा हो गई थी और मैं समझ गया था कि सरकार कितने निचले स्तर की सरकार है। ये BJP इस प्रकार की सरकार है कि अक्षरधाम मंदिर पे हमला, कांधार हाईजैक, पुलवामा अटैक, संसद पे हमला, इन सब की तारीख मिलाइए और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की तारीख मिलाइए। ये सिर्फ एक ही काम जानती है और वो है नाम बदलना, नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव है इसलिए ये ऐसी हरकतें हो रही हैं? निश्चित तौर पर हो रही हैं। मोहित शर्मा, प्रधानमंत्री मोदी के एक इशारे पे जो है यूक्रेन और रूस का जो है युद्ध रुक जाता है 3 घंटे के लिए, तो कश्मीर में जो हत्या हो रही है वो क्यों नहीं रुक पा रहा है? मतलब ये पुतिन जो है वो हाथ में फोन लेके इंतजार कर रहा था, बच गया, मोदी जी का ही है। अरे मैं कह रहा हूँ कुछ घंटे के लिए जरा युद्ध जो है वो स्टॉप ही कर दो, कुछ नागरिक फंस रहे हैं हमारे, वो वापस इंडिया आ जाएं, फिर तुम चालू कर लेना अपना खेल तमाशा। लूडो का खेल चल रहा है ना ये, हैं? और मोदी जी के कहने से बंद कर देंगे, मतलब वो UNO के कहने पर, संयुक्त राष्ट्र संघ के कहने पर, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसमें वीटो पावर वाले 7 देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस, उनके कहने पर, 5 देश जो हैं ठीक है उनके कहने पर वो युद्ध बंद नहीं कर रहा है, लेकिन मोदी जी के कहने से बंद कर देता है। भैया कहाँ से पढ़ा था आपने ये बताइए ना आप मुझे। अरे भाजपा के नेता तो इस तरीके का बयान भी दे देते हैं, देखा नहीं आपने कि मैं चाहता हूं कि पूरे देश में RSS का झंडा लहरे, तो आप चाहते हैं देश का झंडा तिरंगा नहीं चलेगा, 2 रंगा, हमें तिरंगा ही चाहिए।
और ये तिरंगा अपनी आन बान शान के लिए जाना जाता है। हमें कोई और झंडा नहीं चाहिए, बड़े गर्व के साथ। और वो माँ कोई अच्छे कर्म करती है जो उस ऐसे बेटे को जन्म देती है जिसका बेटा तिरंगे में लिपट कर आता है, ठीक है ना। और उस वो माएँ आंसू नहीं बहाया करती, उनके पिताजी आंसू नहीं बहाया करते, बल्कि छाती चौड़ी करके कहते हैं कि मेरा बेटा देश के खातिर शहीद हुआ। ये नहीं होते कि बिना क्रिकेट खेले बीसीसीआई में सचिव बना दें। और अमित शाह मीटिंग कर रहे हैं, क्या पता फिर मीटिंग के अंदर ये कह दें जैसे पिछली बार कह दिया था कि वो मोर आया और मोदी जी के उस पे शीशे पे टक टक करने लगा। मोदी जी समझ गए कि मोर भूखा है। ये मीटिंग करेंगे क्रिकेट का मैच, जब ये आईपीएल देख रहे थे ना, कश्मीर के अंदर बुरा हाल था, कश्मीर का स्थानीय निवासी मर रहा था, कश्मीर का पुलिस वाले मर रहे थे, कश्मीर के जवान शहीद हो रहे थे, लेकिन प्रधानमंत्री बना रहे थे 8 साल बेमिसाल और गृह मंत्री आईपीएल देख रहे थे। कश्मीर फाइल पे तो इतने बवाल मचा था मोहित जी, वो लोग कहाँ हैं? इनको तो ढूंढ कर लाइए। ये मिथुन चक्रवर्ती तो भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा समर्थक आ रहे, और जितने भी लोग फिल्म देख के आ रहे थे सबके सब। कश्मीरी फाइल्स देख के मेरे को बड़ा दुख हुआ, इतनी बुरी स्थिति। अनुपम खेर भी कह रहे थे, डिबेट शो के दौरान रोए भी थे। मैं रो नहीं रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये उन लोगों का बता रहा हूँ मैं। ये एक्टर जो हैं, ये अरे मोदी जी मैं आपको बताऊँ, मोदी जी तो इतने बड़े एक्टर हैं कि एक आदमी को रोने के लिए आंख में ग्लिसरीन की जरूरत होती है। अगर एक्टर की आंख से जो आंसू आता है ना, वो ग्लिसरीन डालने के बाद आता है। मोदी जी तो इतने बड़े एक्टर हैं कि कहीं भी खड़े खड़े रो जाते हैं, और उनको देखते देखते अब तो योगी जी भी सीख गए हैं, वो सदन में रो देते हैं योगी जी भी खड़े खड़े। मोदी जी कहते हैं मेरी जान को खतरा है, जिस देश के प्रधानमंत्री की जान सुरक्षित नहीं है, वो जनता को कहाँ से सुरक्षित रखेंगे जी। नहीं, मेरे को ग्लिसरीन की जरूरत नहीं है, मेरे लिए मेरे कश्मीर के लोगों का दर्द और पूरे हिंदुस्तान का दर्द मेरे सीने में है। मेरे को किसी के आगे आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। मैं कश्मीर के लोगों के लिए अगर कुछ कर सकूं तो वो मेरे लिए बड़ी बात है, किसी को आंसू बहाकर मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं है। और ये जो अनुपम खेर है, ये बीजेपी के इतने बड़े समर्थककार है, फिल्म बनाते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, फिल्म नहीं बनाई गई आपसे द कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर पृथ्वीराज। ये एक मिनट, ये जो अक्षय कुमार है, ये मुगलों के इतिहास बताए जाते हैं, हिंदू राजाओं के इतिहास नहीं बताए। हाँ, ये कनाडा वाला बताएगा ना हिंदू राजाओं के इतिहास, है ना। ये कनाडा वाले से पूछिए ना जाकर कि आप हिंदुस्तान के नागरिक हैं भी या नहीं, कनाडा की नागरिकता लिए बैठे हैं। और दूसरी बात, ये बोलते हैं डाने डाने में केसर का डाम, ठीक है। अपने आज तक इन्होंने अपने घर वालों को खिलाया केसर? एक बात आप मुझे बताइए, ऐसा कौन सा 5 रुपए में केसर मिल जाएगा आपको? इतना सस्ता हो गया केसर है, मुंह में गुटका और कदमों में। हाँ, कदमों में दुनिया। देख तो इनको, ये इतना बढ़िया इतिहास पढ़ के आए हैं कि आप ये देखिए, अगर गूगल पे भी सर्च करते हैं ना तो आप ये देखिए कि जब आप पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ते हैं तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वीराज चौहान की जो डेथ है, जो वो हुई थी आपका 1192 ईस्वी के अंदर अजमेर के अंदर। और वहीं अगर आप गौरी की बात करें तो उनकी डेथ हुई थी 1206 ईस्वी झेलम के अंदर। लेकिन आप ये देखिए इन्होंने किस प्रकार से पूरा इतिहास ही पलट दिया। तो ये अनपढ़ जाहिल और गवार लोग हैं। कनाडा वाला हमें सिखाएगा कि हमारे क्या इतिहास, क्या जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।